दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारे से दुआ के साथ जी आज के व्लॉग का आगाज हमने शुरू कर लिया कसाईयों वाले काम से। आज हमने कसाईयों वाला काम शुरू किया जी। बना रहे थे पंजे और साफ सुफ कर लिए। भाभियों ने बड़ी मेहनत करके इनको साफ किया, आग जला के यहाँ पे। तो अभी काम हमने ये करवाना था इकबाल साहब को, इकबाल साहब चले गए हैं किसी काम से बाहर। तो अभी ये फिर मैंने कहा चले अपनी मदद आपके तहत ही करते। लगवा से मुझे डर ही रहा ये करते हुए, क्योंकि ये ना लकड़ी उछल रही है सारे सारे वाला इना हुए बीच सारे मेक निकल गया थे ये बनाना कार ये गलत है। हां जी सारा तो ए ए चुटुक हां जी ये जरा पंजे पंजा सारा मैं लेके गुटो को ना बीजो और सारा ना लाना है सारा अम्मी जी लानी है वो तुसी आख्या नहीं सही वो छिकिया ने नहीं ना फिर बीच निकल। अच्छा छिका ना ते नहीं ना तेज टुकिया नहीं जांदा पे। मैंने कोशिश की है जी कि मैं खुद इसको काट लेती हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं कि ये जो है ना ये वाली मेख निकल गई अंदर से इसके क्या से कहते हैं पाए के अंदर से। अम्मी यही वजह है लकड़ी पोली है ना। चलो उनसे वो असल में लकड़ी थी थोड़ी लाइट वेट तो वो उछल रही थी जिसकी वजह से इसको लग नहीं रहा था सही। चलो जी अल्लाह का शुक्र है इनको मैं धो के ले आई हूँ। इनको धोना भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और जिस लड़की पे कह रही हूँ जिस लकड़ी पे इनकी कटिंग की है ना वो भी थोड़ी पुरानी लकड़ी थी, बुरबरी सी हो रही थी, उसके छोटे छोटे पीसेस भी अंदर फंस गए थे जिसको धोने में मुझे बड़ी दिक्कत पेश आई है। तो अभी मानो बिल्ली जो है ना वो कह रही है कि मैं भी आ जाऊँ, लेकिन अभी मैं उसको दावत नहीं दे सकती इसलिए मुझे इनको छुपाना पड़ेगा। उसका कोई पता नहीं है, चुपके से आके ले जी। तो अभी जी हम जल्दी से कर लेते हैं मसाला तैयार। इकबाल साहब अभी भी नहीं पहुँचे, अगर उनका इंतज़ार करते फिर तो आज हमारा खाना रह जाता। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे ये भी अब खत्म हो जाए। एक तो गर्मी ने मत मारी हुई है, ऊपर से इन बाजों ने कसम से सारे खा लिए। ऐसे भी आज थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, थोड़ी सी वो भाभी की रेसिपी थोड़ी सी अलग है, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि मैं ये वाली जो डिश है ना ये बहुत कम बनाती हूँ। मतलब ये जो पाए हैं ना क्योंकि उन पर बहुत मेहनत होती है। आज भी मैं खाता मामियों को बोल रही थी मामी आप लोग इतनी मेहनत वाले खाने बनाते हैं, जैसे कि तरमा करेले हो गए या इस तरह की चीज़ें जिन पर टाइम लगता है वो हमें टाइम कम ही मिलता है, फिर हम लोग जरा कम ही बनाते होते हैं। तो इसलिए फिर थोड़ी सी जो है ना वो कंफ्यूजन कर रही थी। मैं तो कहती थी मामा आपकी और मामी की वो जो है ना रेसिपी वो जो शेयर हो रही है आपस में वो वीडियो में शेयर करते हैं, लेकिन भाभी चली गई हैं वो नहीं आई सामने। तो अभी जी मैंने ऐसे किया कि मैंने घी डाला गर्म किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज और मैं जैसे नॉर्मल हांडी का मसाला भूनते हैं उसी तरह मसाला भून के अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि क्या क्या करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और फिर इंशाल्लाह जो फाइनल होगा ना इसका टेस्ट वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और इस वक्त मेरा जनाब बुझ गया चूल्हा, जब देर हो रही होती है ना उस वक्त इस तरह के मसले जो है ना वो आ ही जाते हैं। और इस चूल्हे में मुझे थोड़ी सी परेशानी बन जाती होती है क्योंकि ये एकदम बंद हो जाता है, मुझे दूसरा चूल्हा ना मेरे वाला वो नहीं बन रहा। माशाल्लाह जी मसाला जो है ना बहुत ही अच्छा भून गया। इसमें मैंने सिंपल नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया पाउडर जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है वो भाभी के कहने पे कोरमा मसाला, कुछ ज्यादा नहीं डाला और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और पाए देखेंगे माशाल्लाह हमारे साफ सुथरे हमने बड़े अच्छे तरीके से धोए हैं।
और अभी मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के ना सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने प्रेशर चलाना है। अगर 2 से 3 मिनट भी हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाती है। अभी जी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। इकबाल साहब ने काम शुरू कर लिया सरप्राइज के लिए, अल्लाह भला करे उनका। तो आप लोगों ने जी आने वाले दिनों में भी हमारे साथ रहना, इन्हीं मुहूर्तों के साथ बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग आपके लिए लेके आने वाले और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज भी इंशाल्लाह आपके लिए लेके आने वाले हैं। और अभी जी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बस इतना काफी। और ये पाए थे जी हमारे 4 दर्जन पाए थे। और अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने नहीं खाना, कुछ कह रहे हैं मैंने अगर शोरबा बनाया तो मैं नहीं खाऊंगा, कोई कहता मैंने बुनावा खाना है। अभी ये वाली हमारी लड़ाई जो ना वो चली रही है, तो मैं इसको प्रेशर लगा के तो उतनी देर में कर लूंगी। धनिया काट लूंगी, भाभी उधर आटा गूंथ रही है और दरवाजे के पीछे इतनी जबरदस्त महफिल सजी हुई है लेकिन बदकिस्मती से हम आपको दिखा नहीं सकते। तो अल्लाह पाक जी ये रौनकें बनाए रखे हर घर में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें भी ये मौका दिया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं ना भाई लोगों के घर का काम मुकम्मल होने को आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन उनकी कोशिश है कि मुकम्मल कर लें ताकि उधर शिफ्ट हो जाए फिर ऊपर अपने घर में रह के तो नीचे वाला साथ साथ होता रहेगा। तो हमारे दिलों को कुछ हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि अब पता नहीं किसी वक्त भाई ऐलान कर दे चलो जी उधर चले चलो, तो अब हमारे दिलों की धड़कने जो है ना वो तेज होना शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं मिल रहा जी वेट, वो मुझे भाभी से पूछना पड़ेगा। तो आपसे मुलाकात होती है जी थोड़ी देर के बाद। दूसरा दिन हो गया और माजरत के साथ कल उसका व्लॉग में जो है ना वो वहीं पे रोकना पड़ा था। मतलब ये कि अभी जो पहले वाली वीडियो चल रही थी कुकिंग की हमारी, वो रेसिपी चल रही थी, वो मैंने कहा था फाइनल लुक दिखाऊंगी मगर वो नहीं दिखा सकी, इसी वजह से कल हमारा व्लॉग नहीं आया था। आयजा रोटियाँ लगवा देंगे दोनों ने कही खरीजा और आयजा आज। हाँ जी मैं अभी बना रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए फिर रोटियाँ जो है वो तंदूर से कटवाई हैं। तो वीडियो ना आने की वजह है जी मेरी आजकल शदीद तबीयत ख़राब है जिस वजह से मेरी बैठे बैठे हिम्मत ख़त्म हो जाती है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ पे भी देखें ये काम भी मैंने बड़े दिनों से शुरू किया हुआ है, ये देखें तो ये भी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये एक बनाना था मैंने एक माहौल है डेकोरेशन, लेकिन ये भी गंद की शक्ल इख्तियार किया हुआ, फिलहाल इसने पूरे घर का और रफ किया हुआ है क्योंकि ये निपट नहीं रहा मेरे से। जैसे मैं आके बैठती हूँ तो तकलीफ इतनी हो जाती है कि मुझे फिर ये स्किप करना पड़ता है। तो माजरत के साथ ही व्लॉग कल नहीं आ सका, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आज के बाद रेगुलर व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करो, बस आप दुआ कर दिया करें। और आज के व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि मगरब की अजान भी हो चुकी है जी, नमाज पढ़नी है, मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।